किसी भी इंसान के अंदर किसी किस्म की कोई कमी है तो उसको स्पेशली पिन पॉइंट ज़रूर किया जाता है। इट कैन बी योर वेट, ये आपका कलर भी हो सकता है, ये आपकी हाइट भी हो सकती है। खुद से जब तक मोहब्बत नहीं करेंगे ना, दुनिया आपसे मोहब्बत नहीं करेगी। तो ये कह सकती हूँ कि मैंने खुद से मज़ीद मोहब्बत की, इसलिए शायद अब लोग मुझसे मोहब्बत करने लगे हैं। मेरा नाम डॉक्टर शैला है, मैं एक प्लस साइज इन्फ्लुएंसर हूँ। बेसिकली मैं प्लस साइज मॉडल हूँ और एक इन्फ्लुएंसर हूँ। किसी भी सूरत में इस ब्लॉग का मकसद ये नहीं है कि हम ओबेसिटी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं या हम ओबेसिटी को प्रमोट कर रहे हैं। मकसद ये है कि अगर एक इंसान जिसका वज़न आम इंसान से ज़्यादा है, आप उस शख्स को उसकी ज़िंदगी अच्छे तरीके के साथ गुजारने दें। अच्छा, 3 साल पहले जो मेरी वीडियो वायरल हुई थी उसके बाद लाइफ काफ़ी मेरी चेंज हुई है। लाइफ चेंज ऐसा हुई है कि लोग मुझे मेरे हेल्थ की ही वजह से पहचानते हैं। कहीं भी जाऊँ लोग मिलते हैं, आते हैं, और काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं। जहाँ मुझे लोग हेट देते हैं तो वहाँ काफ़ी लोग हैं जो मुझे बहुत सारा पसंद भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। मैं जब कैमरे में भी नहीं थी ना, तब भी मुझे अपने वेट को लेके बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ी बचपन से, और शायद आज तक मैं ये चीज़ें फेस कर रही हूँ। खून के रिश्ते भी अपने नहीं होते बाज़ोकात, आपको उनको शर्म आती है, पिक्चर्स बनवाते हुए उनको शर्म आती है, वो कहीं भी साथ लेके जाते हुए। बट मैंने अपने जब ये चूज़ किया कि मुझे इस फील्ड में आना है, मैंने अपने आप को ऑन स्क्रीन करना है, तो मुझे इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी। लोगों को ये लगता है कि यार कोई भी मोटा है, कोई भी हेल्दी है, तो वो एक अच्छी लाइफ नहीं गुजार सकता, उसको एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता, उसकी शादी नहीं हो सकती। जो एक लाइफस्टाइल है जो मैं इस वक्त अपना गुजार रही हूँ, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ महसूस हुई वो ये था कि प्लस साइज़, क्योंकि मेरा वज़न हमेशा से दूसरे लोगों से ज़्यादा है, तो उन औरतों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी बहुत ज़्यादा है। और सिर्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ इस वजह से कम नहीं है कि उनके वज़न ज़्यादा हैं, उनको प्रॉब्लम ये है कि दूसरे लोग उनके वज़न को की वजह से उनको टॉन्ट करते हैं, ताने देते हैं या मशवरे देते हैं, और उनको जिस तरह वो हैं उस तरह उस हालत में उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बहुत सी ख़वातीन की तादाद ऐसी है जो मुझे प्राइवेट मैसेजेस करती है, वो कहते हैं कि हम आपसे रिलेट कर सकते हैं, हम आपसे इस चीज़ में रिलेट कर सकते हैं कि मैं प्लस साइज़ हूँ, मुझे तैयार होना नहीं आता था, मुझे ये नहीं पता था कि मुझे कैसे अपना मेकअप करना है, मुझे ये नहीं पता था मुझे किस किस्म के कपड़े पहनने चाहिए, मुझे ये लगता था कि सिवाय शलवार और कमीज़ के देर इज़ नो अदर आउटफिट जो मैं अपनी ज़िंदगी में कैरी कर सकती हूँ। और मैं क्योंकि बहुत वैरायटी ऑफ आउटफिट्स पहनती हूँ, उसमें वेस्टर्न आउटफिट्स भी हैं, शलवार कमीज़ भी हैं, मैचिंग सेपरेट्स भी हैं, लॉन्ग शर्ट्स भी हैं, स्कर्ट्स भी हैं, लॉन्ग काफ्तान्स भी हैं, आई वेयर एवरीथिंग, लेकिन वो सब टेलर्ड होता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स जो एक प्लस साइज वुमन को सूट करें। डार्क कलर्स आर योर बेस्ट फ्रेंड, गुड नाइस फ्लोई फैब्रिक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड, शिफोन्स अगर आप सिल्क यूज़ कर रहे हैं तो इट शुड बी लाइंड विद शिफोन एज वेल, 60 grams रॉ सिल्क लाइंड विद शिफोन और ग्रिप, दे आर ऑल योर बेस्ट फ्रेंड्स। एक चीज़ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी है जिसने मुझे बहुत खुशी भी दी है और कॉन्फिडेंस भी दिया है, और उसके अलावा जिससे मुझे लगा है कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत पॉजिटिव चेंज आया है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना कि आई एम प्लस साइज, मेरा वज़न आम इंसान से ज़्यादा है, और अगर मैं इस चीज़ को एम्ब्रेस कर लूँगी, एक्सेप्ट कर लूँगी या अपने आप को समझ लूँ कि मेरा अब ये वेट है और इसके साथ खुश हो जाऊंगी, तो मेरी पूरी ज़िंदगी जो है उसमें हैप्पीनेस आ जाएगी। जिस दिन से मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, मैं हमेशा पहले से ज़्यादा अच्छी लगती थी, लोगों को वो पॉजिटिव इफेक्ट फील हुआ, मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था। उसकी वजह से अगर एक इंसान की ज़िंदगी में भी चेंज आ गया है, उन्होंने अपने आप को ऐसे एम्ब्रेस कर लिया, तो मेरे ख्याल से मेरे ब्लॉग का मकसद पूरा हो गया।